Welcome to the fourth episode of this course, and in this session we will learn how we can select a perfect hosting company to purchase a reseller. Because अगर हमें एक perfect hosting company नहीं मिलेगी सामने से तो हम अपना business इतना perfectly नहीं run कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हम जब startup करेंगे तो हमें support की जरूरत होगी, and हम instant इतना ज़्यादा learn नहीं किए हैं कि हमें सारी problems को fix करना आता है. सो हमें एक परफेक्ट होस्टिंग कंपनी सेलेक्ट करना चाहिए जिससे हमें सपोर्ट मिले एंड हम एक बेटर परफॉर्म कर पाए इन अ इनिशियल स्टेज. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम इनिशियल स्टेज पे रहते हैं देन हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने वेबसाइट के पे आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके. तो हमें एक वेब होस्टिंग सेलेक्ट करना है जो बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करती है. सो जब मैंने गूगल पे फाइंड आउट किया एंड आवर पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे है, तो मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी, बिग रॉक एंड होस्टगेटर एंड इंडियन रीसेलर एंड आपका नेमचीप. सबका बेस्ट सपोर्ट है, नेमचीप लाइव सपोर्ट देती है एंड ऑल कंपनीज प्रोवाइड लाइव चैट सपोर्ट्स. एंड वन मोर कंपनी जो मैंने फाइंड किया है वो prohosty.com है, जहां पे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा जो बेटर है मेरे हिसाब से, एंड कॉल सपोर्ट तो मिलता ही है. सो अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि क्यों हमें सपोर्ट नेसेसरी है. बिकॉज जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम मान लो एक वेबसाइट ही क्रिएट करना चाहते हैं, जब हम वेबसाइट क्रिएट करना जाते हैं तब हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसकी मदद से हम अपने उस वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करेंगे. एग्जाम्पल को लेके चलते हैं हम वर्डप्रेस को, अगर हम किसी ब्लॉग को बनाते हैं तो हमें वर्डप्रेस की जरूरत पड़ती है. अब वर्डप्रेस में बहुत सारी एरर्स आती हैं, वर्डप्रेस की एरर्स हम लेके चलें तो उसमें हमें कभी कभी फाइल अपलोड लिमिट का इशू आता है या फिर हमें MySQL से रिलेटेड बहुत सारी एरर्स आते हैं. तो अगर हमें ये एरर्स आती तो हमारी कौन मदद करेगा? सो इसके लिए एक परफेक्ट सपोर्ट वाली वेब होस्टिंग स्टार्टअप में सेटअप करना, इसके लिए एक परफेक्ट वेब होस्टिंग सेलेक्ट करना चाहिए स्टार्ट एज पे. जब आपका स्टार्ट हो जाए वेबसाइट और आप 3-4 महीने में लर्न कर लो, देन आप VPS पे जाओ या फिर डेडिकेटेड सर्वर पे जाओ, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. बट आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रीसेलर ही लेना चाहिए और एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट करना चाहिए जिसका सपोर्ट काफ़ी बेटर हो. सो अभी हम चलते हैं prohosty.com पे एंड अदर टैब को हम क्लोज कर देते हैं जिससे हम इस पे ऑर्डर क्रिएट कर सके और दिखा सके कि आप कैसे परचेज करोगे यहाँ से. सो यहाँ पे आपको रीसेलर आना है. मैं ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ, तो अगर आपको परचेज करना है तो ये फॉलो कर लीजिएगा स्टेप. सेम स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे और सारी चीज़ें बाय कर पाओगे. सो यहाँ पे जो इनका प्लान है वो फर्स्ट प्लान है, बेसिक प्लान जो है 550 रुपीज़ का. एंड जो अदर कंपनी है मैं उनके प्लान की बात नहीं करूँगा बिकॉज उनका प्लान भी एज कम्पेयर prohosty हाई है. एक बार क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन सी कंपनी का क्या प्लान है, देन हम इस पे वापस आ जाते हैं. सो एक बार मैं कंट्रोल शिफ्ट करके सारे टैब को रीओपन कर दिया हूँ एंड हेयर आप देख लो 25 cPanels हैं एंड 20 GB का डिस्क स्पेस है. एंड हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम अपने नॉलेज के लिए चेक कर रहे हैं. सो यहाँ पे भी आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का प्लान. एंड जो सेकेंड होस्टगेटर है यहाँ पे भी आपको 1000 रुपीज़ के अप्रॉक्स प्लान मिलेंगे और ये सब 3 ईयर की बिलिंग पे है. जब आप मंथली जाओगे तो ये आपको और भी चार्ज बताएंगे, ये देखिए 1600 रुपीज़. सो जब आप मंथली जाओगे तो आपको और भी ज़्यादा चार्जेस पड़ेंगे यहाँ पे. बाकी आप सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें भी 3 ईयर का है एंड हेयर आपको यहाँ पे 1400 रुपये पर मंथ मिल रहा है, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है. एंड यहाँ पे भी आपको 510 रुपीज़ का है एंड जब हम मंथली जाएंगे तो ये हमको 510 रुपीज़ का ही पड़ेगा. सो इसमें एक आपको प्लस पॉइंट हुआ कि आप चाहे मंथली जाओ या फिर ईयरली जाओ आपको बेनिफिट ही है. सो अभी हम अदर कंपनी का टैब क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ से प्रोसीजर आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है. अगर आपको ऑटो बैकअप लेना है तो ले लीजिए और अदरवाइज आप बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिए. जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आपसे डोमेन पूछेगा. अब मैंने डोमेन और होस्टिंग की कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको बना रखी है, पर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ कि आपको डोमेन ऐसा सेलेक्ट करना है जो आपका बेस्ट टू बेस्ट रहे, यूजर फ्रेंडली रहे. एग्जाम्पल के लिए इस पूरी वीडियो सीरीज के लिए मैं जो डोमेन यूज करने वाला हूँ वो kingohost.com है. सो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट पे मुझे होस्टिंग मिलने वाली है. सो ऐसा कुछ रखिएगा जिसमें आपको नाम से ही पता चल जाए होस्टिंग रखने वाली है. और यहाँ पे आपका रजिस्टर एंड डोमेन, अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, अदरवाइज आई विल यूज एग्जिस्टिंग डोमेन. यहाँ पे आपको उनका नेम सर्वर यूज करना पड़ेगा एंड ये है सब डोमेन का. सब डोमेन आप इग्नोर करिएगा बिकॉज ये सब डोमेन पे इनका एक्सटेंशन ऐड होके आएगा. सो यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा नया डोमेन. एग्जांपल के लिए मैं अभी एग्जांपल ही ले लेता हूँ, एग्जांपल hosty.com होस्टिंग ऐसे एंड एग्जांपल होस्ट लेके मैं जस्ट चेक करता हूँ और ये अवेलेबल है.
सो आप इसे ऐड टू कार्ड करके परचेज कर लीजिएगा। तो अभी मैं जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको ऐड टू कार्ड भी करके दिखाता हूँ एंड आई ऑलरेडी परचेज इट। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ मैंने परचेज कर रखा है और क्या क्या है। और यहाँ पे आपको बस एक ओवरव्यू ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। एंड जब आप इसे कंटिन्यू करोगे सो यहाँ पे आपको डोमेन्स की कुछ सेटिंग्स पूछेगी, जो ये सब फ्री अवेलेबल है तो आप इसको ऑन भी कर सकते हो, ईमेल फॉरवर्डिंग वगैरह। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट अपनी बिलिंग डिटेल भरनी है। याद रखिएगा आप अपनी सारी रियल डिटेल फिल करिएगा, जैसे नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर, ये आपके तीन चीज़ रियल होनी चाहिए जिससे आप सपोर्ट ले सको। एंड उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस डाल देना अपना एंड रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपके डोमेन के हुईज रजिस्ट्रार पे भी जाता है और वो जो हुईज का डेटा अगर इनकरेक्ट रहता है तो डोमेन का जो वैलिडेशन होता है वो कभी कभी फेल हो जाता है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे आप डिफरेंट गेटवेज यूज़ कर सकते हो। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हो तो आप इनसे बात करना, ये आपको पेपाल भी प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप पेपाल के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आप इंडिया से हो तो बहुत सारे अवेलेबल हैं मेथड। एंड ये जो रिजर्व पे है वो ऑल कंट्रीज़ के लिए है, तो अदर कंट्री का भी चल जाता है यहाँ से काम। एंड रीड एंड टर्म्स कंडीशन एंड कम्प्लीट ऑर्डर, मैं कम्प्लीट ऑर्डर इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी परचेज फ्रॉम हेयर। सो अभी मैं इनके डैशबोर्ड पर आता हूँ क्लिक करके इनके होम पेज वाले सेक्शन से। सो आप यहां से भी आ सकते हो और ये भी एक तरीका है जहां से आप इनके क्लाइंट एरिया को लॉगिन कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं। जस्ट मैं ये दिखा रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर अगर कभी आप बाय करते हो, तो यहां से कस्टमर लॉगिन पे भी क्लिक करके आप सेम पेज पे आ जाओगे, जो पेज ये है वही सेम पेज यहां पे भी आ जाओगे आप। और यहां पे आपको अगर आपने डोमेन बाय कर रखा है तो यहां पे आपको रजिस्टर्ड डोमेन पे वन सिंबल दिखेगा एंड एक्टिव होस्टिंग में वन दिखेगी एंड यहां पे भी नीचे आपको ये दिखेगा किंगो होस्ट का डोमेन एंड यहां पे होस्टिंग दिखेगी। तो यहां पे आप अपना बेसिक प्लान सेटअप है जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रीसेलर होस्टिंग में बेसिक प्लान आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप स्टार्टअप पे हो तो यहाँ पे भी बेसिक प्लान है। अभी बस आपको इतना ही करना है, आपकी होस्टिंग परचेज हो जाएगी एंड यहाँ पे आप लॉगिन तो करके यहाँ पे सीपैनल चेक कर लेना कि होस्टिंग आपकी एक्टिव हुई है नहीं हुई है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए सीपैनल को लॉगिन कर लिया मैंने। और जब आप कभी भी कोई भी वेबसाइट क्रिएट करो तो आपको SSL इंस्टॉल करना आना चाहिए, और ये जो प्रोवाइड करते हैं वो फ्री SSL प्रोवाइड करते हैं सभी वेबसाइटों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री SSL सर्टिफिकेट्स, सो उसके लिए आपको सीपैनल पे जस्ट SSL लिखना है एंड यहाँ पे आपको SSL DLS स्टेटस मिल जाएगा जहाँ पे आप अपने SSL की स्टेटस चेक कर सकते हो कि एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। सो मैंने काफ़ी देर पहले परचेज किया था तो ये एक्टिव है और यहाँ पे इनका ऑलरेडी ऑटो SSL डन करता रहता है, जो आपके वेबसाइट पे SSL ना इंस्टॉल होने पर वो इंस्टॉल कर देता है। एंड यहाँ पे चेक करने के बाद अगर आपका SSL इंस्टॉल्ड है देन आपको सीधे यहाँ पे डोमेन लिखना है एंड डोमेन लिख के जस्ट आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट टू HTTPS कर देना है। एंड नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि हम अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम पूरी कंप्लीट होस्टिंग को मैनेज करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने बिल को क्रिएट करेंगे, जैसे ये कंपनी खुद भी यूज़ करती है WHMCS, तो इसी तरह सेम इंटरफेस तो मैं नहीं दिखाऊंगा बट आपको दिखाऊंगा कि सेम सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम कैसे खुद का सेटअप करेंगे। और यहाँ पे इसका WHM भी एक्टिव है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जस्ट WHM वेब होस्टिंग मैनेजर, एंड वेब होस्टिंग मैनेजर भी इस पर एक्टिव है। सो अभी जस्ट मैंने बाय किया, तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि इसको कैसे सेटअप करेंगे कम्प्लीट एंड क्या क्या प्रोसीजर हैं इनके सेटअप्स के। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपके लिए न्यू होंगे, तो हम एक एक ऑप्शंस की बात करेंगे। कंप्लीट डिटेल में वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वीडियो, तो आप देखिएगा, मिस मत करिएगा वो वाली वीडियो। एंड यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया ऑर्डर सेक्शन एंड डोमेन परचेज। अगर आप डोमेन एक जगह से परचेज करते हो होस्टिंग डोमेन, देन आपको नेम से तो चेंज करने का इशू नहीं होगा, जिसके कारण आप कभी कभी लोगों को DNS इशूज़ हो जाते हैं, उनके एंड पर वेबसाइट नहीं ओपन होती और सब जगह ओपन होने लगती है, तो ये एक DNS एरर है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा और दोनों चीज़ें एक जगह से परचेज करने की कोशिश करिएगा अगर चीप में मिलता है तब, अदरवाइज़ आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में।